विकार में जाते हैं तो रोज मूत्रपलीति होते रहते हैं। बाप आकर विकार में जाना बंद कराए देते हैं तो मूत्रपलीति होना भी बंद हो जावेंगे। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण आदि देवताएं आपस में मिलेंगे नहीं, शरीर से एक दूसरे से दूर दूर रहेंगे नहीं, उनकी इंद्रियां मूत्रपलीति नहीं बनती हैं। ये बाप के लिए गायन है मूत्रपलीति कपड़ धोए। कपड़ किसको कहा जाता है? ये शरीर रूपी वस्त्र है। जिस वस्त्र को आत्मा छोड़ती है फिर नया ग्रहण करती है। गीता में भी लिखा हुआ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, ऐसे ऐसे लिख दिया है ना। गीता में भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। बाबा विष्णु कितने आत्मा मिलाकर बनते हैं? पांच अच्छाई। विष्णु कितने आत्मा मिलाकर बनते हैं? विष्णु की भुजाएं कितनी है? भुजा माने क्या है? तो चार तो मददगार हैं। वो चार मददगार किसकी मदद करते हैं? कोई की मददगार हैं या नहीं है? किसकी मदद करते हैं? जिसकी मदद करते हैं उसके बगैर चार भुजाएं मददगार बन सकती हैं क्या? बन सकती हैं? नहीं बन सकती। तो जिसकी मददगार बनती हैं चार भुजाएं, पहले तो वो चार भुजाएं जाननी पड़े कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी हैं चार भुजाएं? नहीं, लक्ष्मी जगदम्बा और ब्रह्मा बाबा और ओम राधे सरस्वती, जो सतयुग में लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण बनेंगे। तो ये चार भुजाएं हैं मददगार। वो चार भुजाधारी कौन है? राम वाली आत्मा, जिस राम बाप में शिव बाप आते हैं वो है मुख्य। तो विष्णु के चित्र में पांच आत्माओं के स्वभाव संस्कार का कॉम्बिनेशन है। और पाप महापाप और अपराध का अंतर है? पाप छोटे पाप को कहते हैं, महापाप बड़े पाप को कहते हैं। वो ये अपराध और महाअपराध है। शब्दों का अंतर है। और आज का मूली में कहा कि कृष्ण को गांव को छोड़ा, कृष्ण गांव को छोड़ा कहते हैं,
तो बाबा बोले दोनों ऊपर लागू होता है, राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा। तो मेरा प्रश्न है, तो जिस रथ में शिव प्रवेश करते हैं, दोनों रथों में प्रवेश करते हैं, एक रथ में प्रवेश करते हैं, वो रथ तो ज्यादा अनुभवी है, लेकिन कृष्ण को गांव का छोरा कहते हैं। हाँ, उल्टा दिख दे बाबा बोला ना, दोनों के ऊपर लागू होता राम वाली आत्मा और कृष्ण वाली आत्मा, तो दोनों की गांव की छोरा खा सकते, कृष्ण को गांव की छोरा कर दे। दादा लेखराज के तन की बात नहीं है, दादा लेखराज अपना तन छोड़कर जिस तन में प्रवेश करते हैं, उस तनधारी के द्वारा दोनों आत्माओं का पार्ट गायन होता है, गांवड़े का छोरा और शहर का विश्व का मालिक, एक ही शरीर के द्वारा संगम युग में ही दोनों पार्ट चलते हैं। और लेकिन कृष्ण तो ज्यादा तौरपतन और ज्यादा शतोपतन नहीं होता, लेकिन रामवाली आत्मा तो सबसे बड़ा कामी काजी है ना, तो यहाँ पर जो श्याम सुंदर कहते हैं तो वो किसके ऊपर लागू होता है? कामी कांटा और फूल नंबर वार होते हैं, ये एक ही परसेंटेज में होते हैं। राम वाली आत्मा नंबर वार की स्टेज में है, या 100% की स्टेज में है, सदैव है या कभी है कभी नहीं है, शिव प्रवेश है, देखने वालों की आंख शिव को देखती है या राम को देखती है? तो पतित है या पावन है? आज भी मुरली में बोला, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देती है। वरना तो शिव बाप ने बता दिया है, तुम मेरी बात मानो, ये जो भी पार्ट चलता है, जो तुम्हें अच्छा या बुरा दिखाई देता है, उसका जिम्मेवार मैं हूं। तो ऊंच नीच की बात खत्म हो जाती है। दुनिया वालों के लिए अखबार, मीडिया, रेडियो, इंटरनेट में जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है बाप के बारे में, वो दुनिया वालों के लिए सच्चा है, क्योंकि वो अज्ञानी है, और हमारे लिए तो नितांत झूठा है, क्योंकि हमने बाप को पहचाना है। हमारा लेन देन शिव बाप से है या राम बाप से है? इस संगम युग में हमारा सारा लेन देन शिव बाबा से है, हमें शिव बाबा को ही याद करना है। हमारी दृष्टि परचिंतन में नहीं जाती है, सिर्फ इतना बुद्धि में बैठा हुआ है कि ये तख्त साकार है, परंतु इस तख्त को कंट्रोल करने वाला कौन है? शिव बाबा कंट्रोल करने वाला है। और बाबा आपके मुरली में है जो
पैंसठ की मुरली है बाबा ये आज की, इसमें लिखा है कि ब्रह्मा ये जो लालू होता है आपको कैरल खुलवाते थे, पौने छह आना पैसा कमाते थे, कि किसके लिए बाबा भाई वाला? देहद में कैनाल नहीं होती है? नहीं बाबा, ये जो मुरली तो शिव बाबा चला रहे हैं उनके, शिव बाबा चला रहे हैं, लेकिन हद में भी मुरली लागू होती है कि बेहद में भी लागू होती है? हमारी बुद्धि बेहद के बाप के बच्चे की बुद्धि है, ये हद की बुद्धि है। तो बेहद में कैनाल और नदियाँ होती हैं या नहीं होती है? वो नहीं पूछता बाबा। अरे लोगों ने पूछा कहना सी, वो जो पैसा कमाते थे ब्रह्मा बाबा के लिए लागू होता है कि? अरे पैसे भी हद के होते हैं कि बेहद के भी होते हैं? और जो श्याम सुंदर का पार्ट बजा रहा है 76 ही होगा जो जब से बाप, जो बाप बाप का प्रत्यक्षता वर्ष कब से मनाया गया? तो वहाँ से शुरुआत, तो उससे पहले तो प्रत्यक्ष हुआ ही नहीं। प्रत्यक्ष हुआ होता तो ब्रह्मा को भी पता चलता, ब्रह्मा को पता चलता तो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम क्यों रखवाता? क्या रखवाता? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रखवाता? बच्चों को भी डायरेक्शन देता, तुम अपने को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कहो, लेकिन आज तक भी डायरेक्शन क्या चल रहा है? है वो अपन को अम्मा कुमार कहते हैं कि अम्मा बप्पा दोनों के बच्चे हैं? बाबा ये 76 वाली बात है, 76 के पहले तो बाबा छुट्टी नहीं होती थी क्योंकि 76 में प्रतिष्ठा वर्ष है, बस है 76 का बात है। रात्रि की छुट्टी नहीं होती थी? नहीं, कैलेंडर में छुट्टी नहीं होता रहा बाबा। हाँ जी, 76 के बाद जब प्रतिष्ठा हुआ तब छुट्टी होना चालू हुआ। हाँ जी, अभी तो गुम हो गया हुआ, अभी तो छुट्टी नहीं दे रहा अभी। अभी अभी शूटिंग कौन सी चल रही है, गिरती कला की शूटिंग आ गई या चढ़ती कला की शूटिंग आ गई? अपनी अवस्था देखो, जब ज्ञान में आए थे, चाहे बेसिक में चाहे एडवांस में, तब अवस्था कैसी थी, और अब अवस्था कैसी है? कुछ अंतर है या नहीं है? तो वो ही अंतर है। बाबा औलाद और संतान में क्या भेद है बाबा? एक ही बात तो है, एक ही बात बाबा, देशी और डबल विदेशी का अंतर। एक बार निकाल दिए गए, देश से बाहर कर दिए गए तो विदेशी हो गए, लेकिन दूसरे देश में जाकर बस गए, वहां से भी निकाल दिए गए तो डबल विदेशी हो गए। बेहद में तुम्हें पाता नहीं है, दो पार्टियां हो गई हैं। पांडव भी पहले कुरुवंश के थे या नहीं थे? कुरुवंश से बाहर निकाले गए या नहीं निकाले गए? तो पांडव बन गए, फिर उनमें भी कोई तीव्र पुरुषार्थी है। जो तीव्र पुरुषार्थी है फौरन किया, फौरन हमारे फौरन करने वाले, डायरेक्शन मिला और तुरंत किया, वो डबल विदेशी हो गए। बीके से पहले लौकिक में थे, लौकिक से लौकिक वालों ने बुद्धि के क्षेत्र से निकाल के बाहर कर दिया, ये हमारे अपने नहीं है, परायों जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। घर के हैं या बाहर के हैं? बाहर के हो गए तो विदेशी हो गए। फिर ब्रह्मा कुमार बन गए तो ब्रह्मा कुमारों ने भी क्या किया? निकाल के बाहर कर दिया, लात मार दी।
तो विदेशी डबल हुए या सिंगल हुए? डबल विदेशी हो गए। बाबा 1980-81 में दिल्ली में जो राजधानी का नेहरू सिविल हुआ था उसपे मूल 12 पॉइंट लेकर 12 चार्टर्ड अकाउंट बनाया था, तो उसमें से पांचवा जो पॉइंट है उसमें बोला जो ये ब्रह्मा और ये सरस्वती का देहांत होने पर ये पूरी चौथी कला में जा रहा है, चौथी कला में चला गया देहांत होने पर। हाँ, उन दोनों को जब शरीर छोड़ दिया तो उसका बाद वो पूरे चौथी कला में चला गया। तो कौन चला गया चौथी कला में? हैं? चौथी कला में चला गया कि और ही विदेशी बन गए, विदेश में सेंटर खुलने लगे? तो विदेश में सेंटर खुलते हैं तो चौथी कला में दुनिया जाती है, विदेशों में जनसंख्या बढ़ती है तो चौथी कला में जाती है या उत्तरती कला में जाती है? फिर तो उत्तरती कला में जाते हैं बाबा। हाँ जी, उसी बेसिक वाले को वो तो पूरा उत्तरती कला में आज 47 ईयर तक चला जाता है वो लोग। हाँ, अब हम लोग क्यों उन लोग को सेवा करने के लिए इतना तड़पते हैं? क्योंकि वो तो एकदम सड़ा हुआ आत्मा हो गया। हाँ, सेवा करने का कुछ फायदा होगा बाबा उसी आत्मा को? क्यों, उसमें से चंद्रवंशी नहीं निकलेंगे जिन विजयमाला का आवाहन करने के लिए हम बोला गया है? है? अरे डायरेक्शन दिया है कि नहीं? माँ का डायरेक्शन क्या है अव्यक्तवाणी में? विजयमाला का आवाहन करो, माँ की भी बात माननी चाहिए, या सिर्फ एक बाप को ही पकड़ के बैठ जाएंगे? माँ की वाणी बाप की वाणी को कहीं काटती है क्या? तो माननी चाहिए या नहीं माननी चाहिए? माँ तो बाप को ही फॉलो कर रही है ना। अव्यक्त वाणी मुरली को फॉलो करती है या नहीं करती है? 100% फॉलो करती है। तो अव्यक्त वाणी में अगर डायरेक्शन आया है कि विजयमाला का आवाहन करो तो विजयमाला कहाँ से आएगी? है, वहीं से आएगी, तो उनकी सेवा नहीं करनी है? तो उसमें से खाली विजयमाला ही तो होगा। ओहो, 10 धर्म के हैं तो 90% तो विधर्मी हो गए ना, 10% कैसे निकलेंगे? हैं? हमारे काम के निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? हमको सहयोग देने वाले निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। विष्णु का स्वरूप जो प्रत्यक्ष होंगे, विष्णु का स्वरूप जो प्रत्यक्ष होंगे, उनकी पहली सहयोगी आत्मा वही वैष्णो देवी बनेगी शंख के रूप में ना? हाँ, ये पहली क्या शंख ध्वनि के रूप में पहली सहयोगी विष्णु की, विष्णु देवता जब संपन्न बनेंगे तो वही सहयोगी शक्ति जो वैजयंती माला का आह्वान करने के लिए अभ्यक्त बाबा जी ने बोला। हाँ, वही सहयोगी बनेंगे ना पहले। हाँ, इसलिए उनका आह्वान तो पहले करना चाहिए जिसको विष्णु की राज्य चाहिए। तो ये किसने कहा कि बाद में करो? पहले जगदम्बा का आवाहन करो, पहले महाकाली का आवाहन करो, ये कहा क्या? कहा नहीं, कहा किसका? कहा विजयमाला का आवाहन करो बाबा। हाँ, 1902 तक भारत की राजधानी कलकत्ता थी, 1902 के बाद दिल्ली चली गई, इसका क्या कारण है? क्या 1902 तक भारत की राजधानी कलकत्ता ही था, फिर उसके बाद? ये किसने कहा? बारह दिल्ली चला गया। और बाबा आज का मूली में कहा सारा दुनिया आइलैंड बना है, तो आइलैंड कब? बेट द्वीप, द्वीप बन गई सारी दुनिया, चारों तरफ समंदर है। और बाबा आज का मूली में है बाबा, आज कलकत्ते के अगल बगल में काली की मंदिर बनती है, आसपास। हाँ, आसपास में तो सही, ये क्या नाम है, ये कमाख्या भी, सारा एरिया है? सारा पूर्वी जोन। बाबा कमती मधुबन का नजदीक में द्रौपदी कुंड है, तो शास्त्र में भी लिखा है द्रौपदी कुंड ऐसा ऐसा है,
और हम लोग जानते हैं कोई ऐसा कोई द्रौपदी कुंड नहीं हुआ था, क्योंकि वो सब शास्त्रों में लिखा हुआ है। शास्त्रों में जो भी बातें हैं उनका अर्थ स्थूल में ले लिया गया है या बेहद में लिया गया है, उनकी बुद्धि हद की है तो हद में अर्थ उठाए हैं, और हमको बेहद के बाप से बेहद की बुद्धि मिली हुई है, तो हम जानते हैं कि ये ज्ञान अग्निकुंड है या योग अग्निकुंड है, जिसमें से द्रौपदी और धृष्टद्युम्न प्रत्यक्ष होते हैं। तो प्रैक्टिकल में हुए धृष्टद्युम्न द्रौपदी के साथ जगदम्बा के साथ जगदपिता की प्रत्यक्षता है या नहीं है? है तो बस पांडव सेना का पहला सेनापति कौन हुआ? धृष्टद्युम्न हुआ। और बाबा अभी बोला ये रावण को जलाता है, हंसता सब पे चढ़ जाता है। क्यों? ज्ञान अग्नि से ज्ञान बाणों से राम संप्रदाय वाले हर वर्ष रावण को जलाते हैं। ब्राह्मणों की दुनिया में रावण किधर है? बेसिक में है या एडवांस में है? तो हर वर्ष रावण को जलाते हैं। रावण का दिल जलता है कि नहीं जलता है? फिर अगले वर्ष बड़ा प्रोग्राम करते हैं या वो छोटा प्रोग्राम करते हैं? तो रावण बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है? हर साल बड़ा हो जाता है, दिल जलता है और अटैक करते हैं। हाँ जी, जब जब जलता है तब अटैक करते हैं। वो ही बात जरासंध के आक्रमण में भी दिखाई गई है, महाभारत में। जरा माने पुराने, सिंधी माने सिंधी, ये पुराने सिंधी बैठे हुए हैं बड़े बड़े सेवा केंद्र बना करके, बार बार आक्रमण करते हैं कि एक बार करते हैं? बार बार आक्रमण करते हैं और बार बार हार खाते हैं या जीत जाते हैं? बार बार हार खाते हैं। इस सृष्टि भर सदा कायम एक शिवबाबा है, निराकार और साकार जो मिलकर शिवबाबा कहते हैं। जब निराकार निकल जाएंगे उस साकार से तब भी शिवबाबा कहेंगे? निराकार निकल जाएंगे तो आप समान बना के निकल जाएंगे या मुर्दे को छोड़ करके चले जाएंगे? तो फिर शिवबाबा कहेंगे। अरे आप समान का मतलब 100% नॉलेजफुल बनता है या नहीं बनता है? आज में मूली में कहता है लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण क्यों कहता है? लॉर्ड कृष्ण भारत के ऊपर लागू होता है? नहीं, लॉर्ड कहा जाता है लैंड लॉर्ड को। पहले जमींदार होते थे, जिन जमींदारों के पास जितनी जास्ती उनके अंडर में जमीन होती थी वो बड़े जमींदार माने जाते थे, बड़े लैंड लॉर्ड माने जाते थे। जमीन है हद में भी और जमीन है बेहद में भी। बेहद में जमीन कौन है? कन्याएं माताएं जमीन है। तो हद में कोई एक जमीन का मालिक, कोई दो चार जमीन का मालिक, कोई बड़ी गीता पाठशाला के ऊपर कंट्रोल किए बैठा है तो और बड़ी जमीन का मालिक, कोई पूरे सेवा केंद्र को बड़े बड़े सेवा केंद्रों को कंट्रोल किए बैठे हैं। बेसिक में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो वो भी बड़े बड़े लैंड लॉर्ड हैं। एक हुबली में लैंड लॉर्ड बैठा हुआ है, 500 कन्याएं सरेंडर हुई बैठी हैं, हुबली जोन के बाहर कभी उनका ट्रांसफर नहीं हो सकता। हाँ, बंगलौर तो राजधानी है,
कर्नाटक है तो बड़ा लैंड लॉर्ड हो गया ना, उससे भी कोई बड़ा लैंड लॉर्ड है या नहीं है? तो वो संगमयुगी कृष्ण है। तो अंग्रेज लोग उसको कहते हैं लैंड लॉर्ड, किसको? कृष्ण को, लॉर्ड कृष्ण। और बाबा आत्मा 84 जन्म कैसे लेते हैं? कैसे लेते हैं? अरे चक्कर घुमाना भूल गए, चक्कर घुमाओ, बेसिक का ही चक्कर घुमा लो। सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगमयुग, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग संगमयुग, कैसे कैसे जन्म होते हैं मालूम नहीं हुआ? और बाबा कुबेर का धन संपत्ति अथे होता है, वो मिट्टी के नीचे भी रखा जाता है, उनको पहाड़दार होते हैं दो सर को। बंगाल में घटना घट गया, उसमें गोघाट में आरम्बा का बगल में देखा, जो मिट्टी का नीचे दो घोड़ा मिला, उसमें से बहुत अथे संपत्ति मिल गया आपको चांदी का, तो देखा दो सांप उसमें है, तो सांप दोनों को निकाल दिया बाहर छोड़कर आया। एक घंटा बाद देखा वो सांप आ भी फिर आया, तो दूसरे लोग हमको बोला जो देखो शास्त्र ठीक है कि तुम्हारे ज्ञान ठीक है, तो देखो ये तो शास्त्र भी जैसे जैसा मानेंगे ऐसा ही होगा। तो बाबा कैसे हुआ वो सांप को छोड़ कर गया और उधर आया दोनों सांप उधर में? तुम्हारी हद की धन संपत्ति कौन सी है और बेहद की धन संपत्ति कौन सी है? तुम्हारे हद के सांप कौन है और बेहद के सांप कौन है? सो नहीं मालूम, ये हद और बेहद का अंतर उनको समझा दो तो उनकी भी समझ में आ जाएगा। बाबा भारत में लेफ्ट हैंड ड्राइव कहते हैं तो लेफ्ट साइड में चलते हैं, लेकिन विदेश में राइट हैंड ड्राइव चलते हैं, तो एक इसका कैसे किसी ऊपर से जो आत्माएं उतरती हैं वो स्वदेश की पहले उतरती हैं या विदेश की पहले उतरती हैं? ये शरीर रूपी गाड़ी को चलाने वाली जो आत्माएं हैं वो स्वदेशी पहले उतरती हैं या विदेशी पहले उतरती हैं? स्वदेशी आत्माएं पहले उतरती हैं तो वो पहले पुरानी होंगी या नई ही बनी रहेंगी? तो वो पुरानी हो गई हैं। और विदेश की नई नई आत्माएं उतर रही हैं वो सतो प्रधान स्टेज में है। और बाबा ये जो कर्षण शब्द है, कृष्ण से जो कर्षण शब्द आया है, कृष्ण से तो कर्षण मतलब आकर्षण जी जो शब्द आया, तो ये आकर्षण कौन सी चीज करती है? शरीर करती है या आत्मा करती है? इसके ऊपर लागू किया जाए कर्षण शब्द को। शिव बाबा आते हैं आत्मिक रूप में स्थिर होने वाले बच्चों को आकर्षण करते हैं या सारी दुनिया को आकर्षण करते हैं? आत्मा को आकर्षण करते हैं। यज्ञ के आदि में जो सूर्यवंशी आत्माएं थी वो ज्ञान सूर्य की तरफ आकर्षित हो गई, वही आत्माएं अभी एडवांस में आ रही है। बाकी देहदारी कृष्ण है, जिस देहदारी कृष्ण ने चंद्रवंशियों को, इस्लाम वंशियों को, बौद्ध वंशियों को, सभी वंशियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वो कृष्ण की औलाद हो गए, कृष्ण को भगवान मानने वाले हैं, और हम बच्चे शिव बाबा को भगवान मानते हैं। तो बाबा द्वापर के बाद जब कृष्ण की अनुयायियों की जब संख्या बढ़ गई तो उन्होंने गीता का भगवान कृष्ण को साबित कर दिया देह के आकर्षण के कारण, तो योगी से भोगी बन गई आत्मा है, तो नीचे गिनने लग पड़े, ये सही है कि नहीं? तो ये गीता का भगवान कृष्ण का नाम डालने के कारण ही दुनिया नीचे चली गई, तो ये आकर्षण शब्द से भी हम लोग साबित कर सकते हैं क्योंकि सूर्यवंशी की संख्या तो कम हो गई।
जो आत्मा को ऊपर आकर्षण करते हैं, और राम जो है जो योगियों को जो रमण करवाता है। कहा गया? हाँ जी, तो जो योगियों में रमण करेगा उसको शांति तो स्वतः ही मिलेगी। है? जो राम मतलब जो योगियों में रमण करवाता है योगियों को, योगी योग में स्थित रहेगा तो उसको शांति तो स्वतः ही मिलेगी। हाँ जी। तो उसको शिव की प्राप्ति तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। हाँ जी। पर कृष्ण की याद से ये सब प्राप्ति तो होगी नहीं। कृष्ण देहधारी का नाम है, देहधारियों को आकर्षण करता है या आत्माओं को आकर्षण करता है? फिर ये गीता का भगवान का पॉइंट पेपर लगाई। हाँ जी। और हिम्मत पर चलने वालों वाले ही समझदार बनते हैं। इसका अर्थ क्या है? जो श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठ को श्रेष्ठ मानकर उसके बताए हुए रास्ते पर जो चलते हैं वो ही श्रीमत को फॉलो करने वाले हैं। बाकी जो श्रेष्ठ को समझते ही नहीं नंबरवार भ्रष्ट का आधार लिया हुआ है वो नंबरवार भ्रष्ट के आर्डर पर चलते हैं। इसलिए भ्रष्टाचारी कहे जाते हैं, देवता नहीं बन सकते। हाँ बाबा, शिव बाबा के भंडारे से खाने से काल कंटक दूर हो जाता है। हाँ। का मतलब क्या होता है? हाँ? काल कंटक का मतलब माने दुख दर्द दूर हो जाएंगे। काल नहीं खावेगा, काल शरीर को खाता है या आत्मा को खाता है? तो काल इस शरीर को नहीं खा सकेगा, यही शरीर सत्व प्रदान होकर स्वर्ग में जावेंगे। बच्चों के रूप में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। काल भी दूर हो जाएगा और कांटा माने दुख देने वाला भी दूर हो जाएगा। देवात्माएं ही तुम्हारे नजदीक रहेंगी, फूल ही नजदीक रहेंगे सुख देने वाले, कांटे नजदीक नहीं आवेंगे। कंटक माने कांटा। पिता को शंकर नहीं कहेंगे, शंकर है हम पूर्ण तक भी देख। हाँ जी। शंकर को भी देखा था है कि वो याद में बैठे हुए। हाँ जी। संपूर्णता का स्टेज। जो भी देवताएं हैं उन देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं, मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो संपूर्णता की स्टेज की बनाई जाती हैं या अधूरी स्टेज की बनाई जाती हैं? तो शंकर को अभी संपूर्ण कहेंगे या नहीं कहेंगे? है? अभी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि बैल पर अभी सवार नहीं हुआ है। जो बैल के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो बीच बीच में उस पर सवार हो जाती है, वो बैलबाजी करने लग पड़ती है। इसलिए शंकर को अभी विजयी नहीं कहेंगे। पुरुषार्थी है विजयी होने का या विजयी हो चुका? पुरुषार्थी है, प्रजापिता है। शंकर तब कहा जाता है जब एक ही शरीर के द्वारा तीन आत्माएं पार्ट बजाती हैं, तो तीन आत्माओं के स्वभाव संस्कार का संकरण देखने में आता है।
और बाबा संपूर्ण का स्टेज जब होगा तो नारायण बन जाएगा। बिल्कुल नारायण बन जाएगा। नारायण स्वर्ग में होता है या नरक की दुनिया में चक्कर काटता है? है स्वर्ग में होगा। शंकर को स्वर्ग में कभी दिखाते हैं क्या? हैं? नहीं दिखाते हैं शंकर को, या तो इस दुनिया में दिखाते हैं या तो ऊंची स्टेज पहाड़ों पर दिखाते हैं, कैलाश पर्वत पर। वो ऊंचे से ऊंची याद की स्टेज की यादगार है, सर्विस की यादगार है इस दुनिया में रमण करते हुए। और आज में मुरली में बोला है तुम बच्चा स्वर्गों में जाना है तो देवता और खोत्रियों बन जाता है, तो खोत्रियों का मतलब क्या है? छत्री का मतलब है छत्रधारी। छत्रधारी का मतलब है जिनके ऊपर बाप की छत्र छाया रहती है, उनको सदैव छत्र छाया के नीचे रहने का वर्षा पूर्व जन्म से ही मिला हुआ है। राम फेल हो गया तो पहले फेल हुआ या बाद में फेल हुआ? पहले फेल हुआ। और जो बाद में फेल होंगे उनकी क्या गति होगी? हैं? पहले फोन हो फेल होना अच्छा या बाद में फेल होना अच्छा? और माया की चक्करी में फेल तो सभी होते हैं। सतयुग का कोई ऐसा देवता होगा 2 करोड़ में से जो त्रेता में जाकर चंद्रवंशी न बने? हैं? फेलियर चंद्रवंशी तो साफ बनेंगे, क्योंकि सभी आत्माएं उतरती कला में जाती हैं। तो राम वाली आत्मा पहले फेल हो गई तो बड़ा बच्चा साबित हुआ या छोटा बच्चा साबित हुआ? बड़े बच्चे को वर्षा पहले मिलता है या बाद में मिलता है? पहले ही उसने अपना हिस्सा बटाई लिया। तो ज्ञान के बाण मिल गए, बुद्ध रूपी तरकस मिल गया जिसमें बाण भरे हुए हैं। ये सारी दुनिया असुरों की है, इन असुरों को बाणों से मारते जाओ और दुनिया के ऊपर कब्जा करते जाओ, विश्व की बादशाही लेते जाओ। और अब आज के मुरली में बोला ऐसा कोई चीज नहीं जिसको बाप व्यापार में व्यापार नहीं किया। हाँ, बेहद और हद का दोनों व्यापार का थोड़ा समझाओ। क्यों? दुनिया में जो भी व्यापार होते हैं हद के नहीं होते हैं? है? हाँ होते हैं हद के। खेती होती है कि नहीं? खेती भी होती है, व्यापार भी अनेक चीजों का होता है, एक प्रकार का व्यापार थोड़ा ही होता है। तो वेद में भी ऐसे ही है। कोई भी व्यापार को टैली कर लो, ज्ञान रत्नों के व्यापार को टैली कर लो स्थूल रत्नों से, व्यापार है या नहीं है? हाँ, सबसे ऊंचा व्यापार माना जाता है दुनिया में कौन सा? रत्नों का, चाहे वो हद का हो और चाहे बेहद का हो। रत्न भी अनेक प्रकार के होते हैं, पुखराज भी होते हैं। उन रत्नों की कोई क्या वैल्यू नहीं। कोई हीरे जैसे रत्न भी होते हैं, बड़ी भारी वैल्यू है। एक एक रत्न लाखों रुपए। कोई कोई रत्न ऐसा होता है जिसकी कीमत भी नहीं आंकी जाती। सोना तो वह रत्न ही नहीं होगा। सोना रत्न नहीं है, सोने में रत्न जड़े जाते हैं। सोना सच्चाई है बेहद में। जो सच्ची सच्ची आत्माएं हैं, सच खाना, सच बोलना, सच पहनना, वो सच्ची आत्माएं ही सोना है। सोने के महल बनेंगे। महल किले को कहा जाता है, किला संगठन को कहा जाता है,
ये सोने के किले बनेंगे, अर्थात सच्ची सच्ची आत्माओं के संगठन के किले बनेंगे। पहले संगम में बनेंगे या सतयुग में सोने के किले बनेंगे? पहले संगम में बनेंगे बेहद के किले। और पांच विकारों में काम विकार को सबसे बड़ा माना गया है। बाबा कहते हैं मैं अहंकारियों को माफ नहीं करता। हैं? अहंकारियों को माफ नहीं करता। हाँ? ये समझ में नहीं आया क्यों? अहंग अहंग माने क्या? मैं माने क्या? शरीर? तो जो अपने को शरीर समझे बैठा है, पहली बाप की शिक्षा क्या है वो ही नहीं समझी, तो आगे की पढ़ाई तो सब बेकार हो गई। ऐसे देहाभिमानी सांडों को मैं नहीं पढ़ाता हूँ। मैं किसको पढ़ाता हूँ? आत्मा को पढ़ाता हूँ। जो आत्मा बनते हैं, आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उनको पढ़ाई पढ़ाता हूँ। इसलिए बोला देह अभिमानियों को माफ नहीं करता। बाबा माता के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता। हाँ जी। तो राम वाली आत्मा के लिए वो गुरु कौन है? ये तो हम लोग ऐसे जानते हैं, फिर भी बाबा ने कभी कभी बोला माता के द्वारा ही बाबा करके ज्ञान की कलश देते हैं। तो राम वाली आत्मा किस माता से वो ज्ञान की कलश अभी लेगी जिससे वो पावन बने? यज्ञ के आदि में किससे पैदा होके ब्राह्मण बना प्रजापिता? है छोटी माँ से, बड़ी माँ से? हैं? दोनों माताएं, दोनों के सहयोग से ब्राह्मण बना। छोटी माँ आत्मा है तो बड़ी माँ शरीर रूपी प्रकृति है। आत्मा और शरीर दोनों मिलते हैं तभी ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है, पहचान मिलती है। और तो रामवाली आत्मा जैसे उन दोनों माताओं से ज्ञान लेंगे बाद में पावन बनने के लिए, तो राम के जो फॉलोअर्स होंगे तो यही माता ही तो निमित्त बनेंगे तो ज्ञान में। स्वर्ग का गेट माताएं खोलती हैं या पांडव खोलते हैं, फिर क्या बात? तो जो गंगा का पाठ है तो वो कहाँ गएगा? गंगा बच्ची है या सूर्यवंशियों के लिए माता है? है भक्तों के लिए माता है। जो सन्यासी हैं वो उसको माता मानते हैं। सूर्य के लिए माता नहीं है, क्या है? बच्ची है। और सूर्यवंशी के लिए भी उस माता की लिस्ट में तो नहीं आती, इसे बिगाड़ के उसके माता हम बोल सकते हैं? है सूर्यवंशी के लिए भी यही लागू, ये नियम लागू होगी कि नहीं? किसके लिए? कौन सी माता के लिए? गंगा, जो भक्तों की माता है। सूर्यवंशियों को सूर्य से ज्ञान मिलता है कि गंगा से मिलता है? सूर्य से। और सन्यासियों को? सन्यासियों में पहले गंगा निकलेगी या दूसरे सन्यासी पहले निकलेंगे? पहले भीष्म पितामह है या पहले गंगा है? बाबा ज्ञान का सागर है और बाबा प्रेम का सागर है, इसका मतलब क्या है? ज्ञान माने जानकारी। शिव बाबा को सारी सृष्टि की पूरी जानकारी है, आदि मध्य अंत की जानकारी है। सारी सृष्टि में जो भी आत्माएं हैं, पार्ट बजाने वाली, सब की जानकारी है। उसे ज्ञान कहा जाता है। वो ज्ञान का सागर है,
उसे ज्ञान की गहराइयों को कोई नाप नहीं सकता। जैसे सागर की गहराई को आज तक कोई भी वैज्ञानिक नाप नहीं सका, ऐसे ही ज्ञान सागर का ज्ञान भी अथाह है, ऐसे ही प्यार का सागर है। उस प्यार के सागर में जो भी डूबने वाले हैं वो ये अनुभव करते हैं कि ये सागर है अथाह है, बाकी तो अपने अहंकार में रहते हैं। चार चित्र मुख्य हैं, इसमें तीन चित्रों के आसपास ज्ञान की बातें लिखी हैं, लेकिन सीढ़ी के आसपास ज्ञान की बातें नहीं लिखी है। अंदर ज्ञान की बातें भरी हुई है कि नहीं है? ये भारतवासियों के लिए चित्र है, भारतवासी अंदरूनी ज्ञान उठाते हैं या बाहर बाहर का उठाते हैं? भारतवासी तो अंदरूनी ज्ञान की बातें उठाते हैं। संगम में ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, इसका मतलब क्या है? अरे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में ब्रह्मा होता है क्या? है? होता ही नहीं, तो वहां ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन भी नहीं होता है, ये कहां की बात है? शास्त्रों में जो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन का गायन है वो संगम युग की बातें हैं। संगम युग में चढ़ती कला है तो ब्रह्मा का दिन है, उतरती कला है तो ब्रह्मा की रात है। तो आल्हा लिखी है, और हाँ जी बाबा, भक्ति मार्ग में सहन शक्ति दो प्रकार की दिखाई गई है, एक ब्रह्मा मतलब गांधी की जैसी जो एक दाल में थप्पड़ मारेगा दूसरा दाल दिखा देंगे, और एक सहन शक्ति है चाहे कितनी भी विकराल परिस्थिति भी आए, चंद्रशेखर आजाद जैसे शरीर पर बहुत कठोर आघात को भी सह लेंगे तो प्राण को नहीं छोड़ेंगे, तो ये दोनों सहन शक्ति में से बाबा श्रेष्ठ सहन शक्ति कौन सी है? जिसकी कोई सीमा नहीं, एक जिसकी सीमा तो वही होता है करके मार गए और गोली भी खा गए। हाँ जी, बल शरीर छूट जाए आत्मा तो नहीं छूटेगी, आत्मा तो हजार हमारा विनाशी है, तो बेहद का क्या हुआ और हद का क्या हुआ? बेहद की सहन शक्ति कौन सी हुई? बेहद की सहन शक्ति हुई देहम वा पातया में कार्यम वा साधया में, शरीर बल चला जाए लेकिन काम पूरा करके छोड़ेंगे, भूत प्रेत बन के भी काम पूरा करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको कहते हैं युधिष्ठिर, युद्ध में स्थिर रहने वाला। तो ब्रह्मा को क्या कहेंगे? अभी भी युद्ध में स्थिर है, भले स्थूल शरीर छूट गया। हाँ जी को प्रजापति दक्ष ने उसको अभिशाप किया, ऐसा क्यों हुआ? है शंकर जी को अभिशाप किया है? क्या अभिशाप दिया? ये सारी संसार में तुमको ऐसा कोई नहीं मानेगा। कैसा कोई नहीं मानेगा? बोला था शाप दिया था जी। अरे क्या शाप दिया? राजा दक्ष ने ऐसे ही शंकर जी को सती माँ सती जी को कुछ लेके ऐसे ही है? हाँ?
क्या दिखाया? अरे टीवी भी देखा करो तो ध्यान से तो देखा करो। और शास्त्रों में है भिखुमुनि कृष्ण भिखुमुनि का पदोशा कृष्ण का पक्ष में है। भिखुमुनि का पदोशा उन्होंने लात मारा। हाँ पैर का छाप, पैर का छाप। हाँ ओके। हाँ विष्णु का पार्ट कौन सा है? ब्रह्मा सो विष्णु। तो किसके दिल में आघात लगता है सबसे जास्ती? जो मुनि हैं, मनन चिंतन मंथन करने वाले हैं, वो जो आघात मारते हैं, किसको सबसे जास्ती आघात लगता है? ब्रह्मा वाली आत्मा को आघात लगता है। ब्रह्मा सो विष्णु कहा जाता है। बाकी विष्णु बनने के बाद तो कोई आघात कर ही नहीं सकता। कि कर सकता है? नहीं कर सकता है। और बाबा तो अभी शेष नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुआ, शेष तो है। अभी कोई बात जो ऐसा अनुभव होता है बाबा का बोल जाता है पर ये ज्ञान में चलते चलते कीचक का पाठ अनुभव कर रहा है। हाँ अभी समय है जो वो पाठ पुरुषार्थ करके उच्च पद पाने के लिए। हाँ है समय मिलेगा। हाँ क्यों नहीं, जो कीचक बनते हैं उनकी परिभाषा दी है, जो ब्रह्मा कुमार प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पीछे पड़े रहते हैं उनको कीचक कहा जाता है। गंदे लोग हैं जो ज्ञान नहीं सुनते हैं, मुखवंशावली नहीं बनते हैं, रूप के पिछाड़ी पड़ते हैं। किसकी कथा है? द्रौपदी और कीचक की कथा है। द्रौपदी के पीछे कोई कीचक पड़ा ना? पड़ा या नहीं पड़ा? पड़ा तो उसकी भीमसेन ने दुर्गति कर दी। तो कोई शरीर की दुर्गति कर दी या पाठ की दुर्गति कर दी? उसका पाठ दुर्गति में चला गया। और बाबा कृष्ण के सीरियल में जब गीता का एपिसोड चल रहा था तो योगी और साधारण पुरुष के विषय में कुछ वाक्य आया था कि साधारण व्यक्ति पेड़ से गिरे हुए फल के बारे में सोचता है और योगी जो है पेड़ से वृक्ष से गिरे हुए फल के बारे में सोचता है और योगी जो है वृक्ष की गिरे हुए पेड़ के फल के बारे में सोचता नहीं, जिस बगीचे में वो पेड़ है उसके बारे में सोचता है ताकि दूसरे भी उससे सुख पा सके। तो उसी प्रकार जब त्रिमूर्ति में से एक शंकर का पाठ है सज्जन और सत्पुरुष की रक्षा के लिए, सारा दुनिया का अगर असुरी तत्व का विनाश भी कर दिया जाए तो वो तो भगवान का ही पाठ है, कल्याणकारी पाठ है। तो इसलिए उसका नाम शिव के साथ जोड़ा गया क्योंकि वो कल्याण जो विनाश भी है कल्याणकारी आ गया। तो वो महायोगी भी हो गया। तो गीता के महावाक्य के अनुसार शंकर को महायोगी की लिस्ट में भी हम ला सकते हैं, साबित भी कर सकते हैं। हाँ जी योगी और साधारण समस्या है कुछ क्या? नहीं वो 8 पॉइंट के ऊपर कुछ प्रश्न है जो यहाँ नहीं चलता, खाता ही नहीं। हाँ जी जैसे बॉम्बे में चलता है। हाँ जी और बाबा द्रौपदी के जो बाल खुला दिखाते हैं ना, क्या कारण है? वो ज्ञान के बाल खुल गए, उसकी आंखें खुल गई,
कि संसार में से अत्याचारियों का अंत होना चाहिए। जब तक अंत नहीं होगा तब तक ये बाल खुले ही रहेंगे। बाबा हाँ, जो आप क्रैश की जो राशि मिलाई जाती है तो इसका क्या आप समझ में नहीं आया? दोनों के नाम के आगे का लगा हुआ है, नाम की शुरुआत के आधार पर राशि बनती है, तो कृष्ण धाम में भी का लगा हुआ है, क्राइस्ट में भी का लगा हुआ है, क्रिश्चियंस में भी का लगा हुआ है, और जो कृष्ण के फॉलोअर हैं भगत वो कृष्ण के फॉलोअर हैं, इसलिए रावण संप्रदाय हैं, भक्ति रावण से आती है, ज्ञान राम से आता है। बाबा बेताज पक्ष जो कहा है मुरली में बाबा है? तो उसका अर्थ क्या है? क्या बेताज पक्ष के बारे में जो बाबा जी कहा है? बेताज बादशाह, ताज माने जिम्मेवारी का ताज भी है बेहद में, और ताज माने स्थूल ताज भी है। जिम्मेवारी का ताज क्या है? कौन सी जिम्मेवारी धारण की है? हैं? नहीं, बाप की जो पवित्रता का ताज है, पवित्रता का ताज धारण किया हुआ है, ये बेहद की जिम्मेवारी है। सारी दुनिया को पवित्र बनाएंगे, पहले खुद पवित्र बनेंगे। बाबा कुंती का बड़ी माँ का पाठ है क्या? कुंती जिसको ज्ञान के कुंतल हैं, ज्ञान की जटाएं हैं, द्रौपदी और कुंती एक ही हैं या अलग अलग हैं? कुंती राज परिवार में रहती है या वनवास में रहती है? हैं? राज परिवार में रहती है। तो छोटी माँ का पार्ट है या बड़ी माँ का पार्ट है? हैं? कहीं छोटी माँ का कहीं बड़ी माँ का, एक बात बताओ ना। छोटी माँ का पार्ट है। द्रौपदी क्या बड़ी माँ का पार्ट है? द्रौपदी जिसकी बेइज्जती की जाती है संसार में, दुर्योधन दुशासन बेइज्जती करते हैं, समझते हैं ये नैया तो डूब गई, डूबी की डूबी, अब इसका उद्धार नहीं हो सकता, नीचे समझते हैं, डूबने वाली समझते हैं, लेकिन भगवान उसके रक्षक हैं। और बाबा जी चक्रव्यूह दिखाते ना अभिमन्यु का, तो वो जाते हैं लेकिन लौट के नहीं आ पाते, समझ में नहीं आया है? ये जो अभिमन्यु को दिखाते हैं ना, हाँ, चक्रव्यूह तो घुस चुस जाते हैं। हाँ, तो दोनों बातें आनी चाहिए ना, तो तुम समझ में नहीं आया। अंदर घुसना भी आना चाहिए और घुसने के बाद निकलना भी आना चाहिए, ऐसे नहीं युद्ध भूमि में जो चक्रव्यूह रचा गया उस चक्रव्यूह में भेदन करना तो जान लिया, लेकिन बाहर जानना निकलना नहीं आया, नहीं आया तो अंदर घुसे ही क्यों? बाप दादा का नाम बदनाम करने के लिए घुसे या सरनाम करने के लिए घुसे? हैं? बदनाम हो गया, विजय पाना सरनाम है, हार जाना बदनामी है, ये इसका नाम है अभिमन्यु। अभिमान रहता है, क्या अभिमान रहता है? हैं? हैं, मैं बड़े बाप का बेटा हूँ, बड़े महारथी का बेटा हूँ, मेरा गुरु साक्षात भगवान है,
ये अहंकार रहता है। लेकिन उसी टाइम में तो चार योद्धा को बचाए थे ना, अभिनंदन ने जाकर उसी टाइम में क्या उसी टाइम में जाकर, ये तो चक्रव्यूह के बारे में किसी को पता नहीं था, कृष्ण अर्जुन को पता था। हाँ जी, लेकिन उस टाइम में तो वही गए थे ना, नहीं तो ये काम तो नहीं होता ना, मुश्किल हो जाता ये युद्ध में। हाँ जी, तो इसके लिए तो उनको मैंने क्या बोलते हैं, मैंने बड़वा या बड़ापन कहा गया है। कृष्ण जैसे बोलते जो अभिमन्यु ने ऐसा किया बहुत बड़ा काम किया, ऐसा बताया गया ना। हाँ जी, तो एक तरफ अच्छा एक तरफ बुरा। अच्छा क्या? अच्छा क्या मैंने गए जा। अभिमान में रहने वाला साबुत बचता है या खलास हो जाता है? खलास हो जाता है, है? हाँ, पहले पूरी बात जानकारी लेकर के जाना चाहिए। कृष्ण को तो सारी जानकारी है ना, तो गुरु का आवाहन तो कर सकते हैं, गुरु तो हर जगह हाजिर हो जाता है। बच्चे बाबा क्या कहते हैं, बच्चे मैं हाजिर हुजूर हूँ। अरे द्रौपदी के सामने जब चीर खींचा गया तो हाजरा हुजूर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बाबा छोटी माँ को आत्मा कहा गया है और बड़ी माँ को शरीर कहा गया, इसका क्या कारण है? देह अभिमान है तो शरीर है, देह अहंकार है ही नहीं तो जैसे आत्मा है। बाबा हौद और दहोद में राम का जम्बूवान कौन है? है? पाठ किसका चलता है? है? हौद और दहोद दोनों में राम का जम्बूवान साथी का पाठ कौन बजाता है? जम्बूवान क्या है? अलग अलग जामवंत, जामवंती उसकी लड़की का नाम है, जामवंत उस लड़की के बाप का नाम है। जामवंत के सारे शरीर में बाल ही बाल हैं। ऐसी कौन सी सृष्टि है मनुष्य सृष्टि में, ऐसी कौन सी जनरेशन है जिसके शरीर में ढेर सारे बाल ही बाल होते हैं? सिख धर्म तो जामवंत की यादगार है। बंदर ही नहीं थे सहयोगी, कौन सहयोगी बने? ऋषि भी सहयोगी बन गए। हार बाबा जिसको लिखना पढ़ना नहीं आता है वो कैसे करेंगे? माता जी पूछते क्या कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे कैसे पढ़ेंगे ऐसे पूछते। सीख लें क्या, हिंदी लिखना और पढ़ना का ये ज्यादा कठिन है? दुनिया की सबसे सहज भाषा कौन सी है? हिंदी है। है सहज क्या क्या लगता है? बोलने को बहुत दिक्कत होता है। जिसमें सहज लगता है उसमें हर समय बुद्धि लगी रहती है। अब पढ़ना लिखना कठिन है। ओम शांति।